अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में मस्क मेलन की शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। देखिए, मैंने इसे कवर को जो इस तरीके से कट करके, ये ऐसे था इसका कवर, जैसे कि आपने अभी देखा था वीडियो में, मैंने इसको इस तरीके से यूं कट करके इसका ये इसको रिमूव कर लिया। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए किया है क्योंकि मैं इसी में जो है अपना शेक भी सर्व करूंगी। तो हम इसको क्लीन कर लेंगे, जितने भी इसके बीजे वगैरह हैं सब कुछ। देखिए, मैंने इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इसके जितने भी बीजे थे उन सबको मैंने रिमूव कर लिया है। तो अच्छे से करें आप, बिल्कुल भी इसमें बीजे नहीं रहने दें, क्योंकि हम इसका शेक बनाएंगे। एक शेक बनाते हैं तो हम उसको कोई छानते वगैरह नहीं है, हम उसको ऐसे ही पीते हैं। तो इस वजह से बीजों का आप खास करके इसमें ध्यान रखें। चाकू की मदद से इसमें इस तरीके से जो है आप लोग कट कर लें। आपको जिस तरीके के पीसेस चाहिए हो या आपके ऊपर है, मैं भी इस तरीके से कट कर रही हूँ क्योंकि हम तो रफली चॉप करेंगे इसको। आहिस्ता से इसमें जो है इस तरीके से नाइफ को करते हुए अपने मस्क मेलन के जो अंदर का पार्ट है उसको निकालना है। देखे, सॉरी मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से कट लगाएं, सीधे सीधे कट लगाना है हमें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे मस्क मेलन के ऊपर की स्किन है वो खराब नहीं हो, क्योंकि अगर आप इसमें जब भी अपना शेक जो है वो सर्व करेंगे तो आपका शेक जो है उसमें से गिरेगा। देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारी शेल जो है ये बची है। हमने इसके जो अंदर के जो अपना मस्क मेलन था वो पूरा निकाल लिया है, लेकिन उसमें कहीं कहीं जगह हमने थोड़ा सा रहने दिया। आप भी इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये जो है इसके ऊपर की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आप इसे पूरा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये जो है लीक हो जाएगी शेल। इसमें क्या होगा, फिर जब आप सर्व करेंगे अपना शेक मस्क मेलन शेक तो वो इसमें से जो है रिमूव होगा बाहर। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। देखें, मेरा स्मॉल साइज का मस्क मेलन था, इसमें से जो है ये कुछ इस तरीके से मैंने इसके निकाला है मस्क मेलन को। अब मैं इसमें से जो है कुछ थोड़ा सा बचा के रखूंगी मस्क मेलन, क्योंकि मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। ये देखिए, मैं इसको इसमें पूरा ट्रांसफर कर दूंगी। इसके अंदर मैं फुल फेट एक ग्लास दूध का यूज कर रही हूँ। अगर आपका फुल फेट मिल्क नहीं हो तो आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं। अगर मलाई भी नहीं हो तो आप फिर ऐसे जो है दूध का भी यूज कर सकते हैं, सिंपली दूध डाल दें। और इसके अंदर मैं जो हूँ इसके अंदर जो है 2 टीस्पून के करीब मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा मीठा कोई नहीं खाता है, इस वजह से मैं कम ही मीठा रख रही हूँ इसमें। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो है गार्निशिंग के लिए कुछ मस्क मेलन जो है वो बचा के रखे। देखिए, हमारा मस्क मेलन का शेक जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब मैं आपको इसमें सर्व करके बताती हूँ। देखिए, मैं अब इसमें अपना जो है शेक सर्व कर रही हूँ। देखिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा मलाई से गार्निश करूंगी, क्योंकि मलाई जो है ये फुली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको, जिस वक्त अपन शेक को ग्राइंड कर रहे थे उस वक्त भी आप मलाई ऐड कर सकती हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर से भी मलाई का यूज कर सकती हैं, या फिर आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मुझे मलाई पसंद है तो यहाँ पर मैं जो हूँ मलाई का यूज कर रही हूँ। इसके साथ में थोड़े से पीसेस ऐड करूंगी मस्क मेलन के, जो हम लोगों ने गार्निशिंग के लिए बचा के रखे थे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़े से ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं।
ये देखें तैयार है हमारा मस्कमेलन शेक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।